दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बड़ी खबर, देश में अब किशोर के लिए बिना सुई वाला टीका तैयार। जी हां, किशोरों के लिए देश में बना कोरोना का पहला टीका तैयार है। जायडस कैडिला ने अपने टीके जायकोव डी के आपात इस्तेमाल के लिए औषधि महानियंत्रण से मंजूरी मांगी है। यह टीका 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए है और तीसरे चरण के परीक्षण में इसे सुरक्षित पाया गया है। खास बात है कि इसमें सुई नहीं लगानी होगी और रखरखाव आसान होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जायकोव डी की मंजूरी मिलती है तो देश में कोरोना के 5 टीके उपलब्ध होंगे। अभी कोविशील्ड, कोवैक्सीन व स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है। 2 दिन पहले ही मॉडर्ना के टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, लेकिन ये टीके 18 साल से ज्यादा आयु वाले लोगों के लिए है, जबकि जायकोव डी वयस्क के साथ किशोरों को भी दी जा सकती है। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाएगी सरकार, सुनंदिनी योजना से लेंगी डिग्री और डिप्लोमा। जी हां, समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में अब नई पहल की गई है। इसके लिए राज्य में सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECEC विषय पर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स एवं 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। आपको बता दें कि ECEC का मतलब होता है प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल एवं शिक्षा। साथ ही आपको बता दें कि सुनंदी कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी सेवा प्रदायकी और गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इससे बड़ा लाभ समुदाय को मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की योग्यता एवं क्षमता में बढ़ोतरी होने से समाज कल्याण की मूल अवधारणा को फलीभूत करने में मदद मिलेगी तथा इस कोर्स के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक उत्थान एवं उनके कौशल में विकास संभव हो सकेगा। बड़ी खबर, AI के साथ जुड़ेंगे बिहार के आपराधिक आंकड़े। देश के किसी कोने में आपराधिक का छुप जाना अब होगा मुश्किल। जी हां, बिहार के आपराधिक आंकड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ेंगे। इसका मतलब है कि राज्य में जितने भी अपराध होते हैं उसकी जानकारी देश के अन्य राज्यों को तत्काल हो जाएगी। राज्य का कोई भी अपराधी अगर वह अंतर्राज्यीय है तो फोटो के साथ एक क्लिक पर दूसरे राज्यों में उसके अपराध की पूरी जानकारी पुलिस के पास होगी। अगर कोई गुमशुदा होता है, कोई शव मिलता है तो फोटो के साथ दूसरे राज्यों के साथ तत्काल डेटा का मिलान होगा और उसकी पूरी जानकारी बिहार पुलिस के पास होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, ठंड का गिरने का भी आसार। जानिए अगले 3 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। जी हां, बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी भारी बारिश तो कभी धूप ने लोगों के साथ आग मिचौले का खेल जारी रखा है। बारिश के कारण सूबे के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश ने एक बार फिर लोगों के घरों के अंदर रहने को मजबूर कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार से होकर एक ट्रफ रेखा गुजरने की बात कही है। बिहार के कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश के आसार है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के उत्तर भाग में पूर्वा हवा नमी को लेकर आ रही है, जिसके कारण उत्तर बिहार के तराई जिलों में अगले 72 घंटे तक बारिश के आसार है। लगभग यही हालात पूर्व बिहार में भी रहने की संभावना है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, वैशाली, सिवर, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, बांका, जमुई और भागलपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, 5 जुलाई के बाद कभी भी हो सकती है पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग 5 जुलाई के बाद कभी भी पंचायत चुनाव 2021 की घोषणा कर सकता है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से 5 जुलाई तक पंचायत चुनाव के चरणों को लेकर रिपोर्ट की मांग की है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को 10 चरणों को ध्यान में रखते हुए प्रखंडवार पंचायत चुनाव का प्लान भी भेजने को निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम कार्यक्रम तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव में प्रत्याशियों को 11 से 12 दिनों का समय प्रचार के लिए मिलेगा। पंचायत चुनाव में मतदान के 3रे दिन ही मतगणना कराई जाएगी।
अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग। याचिका पर 7 जुलाई को सुनवाई करेगी मुजफ्फरपुर की अदालत। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ गुरुवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य चंद्र किशोर प्रसार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने परिवाद स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय की है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री पर जान भावनाओं और देश की अखंडता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। परिवाद में महबूबा मुफ्ती के बयान, जो कि जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान से संबंधित है, उसे ही आरोपों का आधार बनाया गया है। बड़ी खबर, नेपाल में आपद की बारिश, फिर लाल निशान पर पहुंची बागमती और गंडक। उफान से बाढ़ क्षेत्र में दहशत, अलर्ट मोड में अधिकारी। जी हां, नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश का असर जिलों में दिखने लगा है। बागमती व गंडक के साथ साथ बूढ़ी गंडक भी तेजी से लाल निशान की ओर बढ़ रही है। बागमती में जल स्तर में 54 सेंटीमीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं गंडक के जल स्तर में भी 21 सेंटीमीटर का उछाल दर्ज किया गया है। इसके कारण साहिबगंज व पारू में पानी चढ़ा हुआ है। हालांकि दोनों जगहों पर नदी अपने बांध के बीच में ही बह रही है, तो वहीं बूढ़ी गंडक के जलस्तर में पिछले दिन के सापेक्ष 3 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व नेपाल व उत्तर बिहार के कुछ जिलों में हुई भारी बारिश के कारण बागमती कटोजा में खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ही नीचे रह गई है। बागमती में पानी बढ़ने से औराई कटरा व गायघाट के लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संसाधन विभाग ने अपने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया है। 3 दिनों तक बारिश के पूर्वानुमान के कारण आशंका है कि इस बीच तीनों नदियों के जलस्तर में और बढ़ोतरी होगी। बिहार में एनएम के 8,853 पदों पर भर्ती। हां, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने सहायक नर्स मिडवाइफरी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। इस भर्ती अभियान के तहत 8,853 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार SHSB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सहायक नर्स मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल EWS BC MBC उम्मीदवार के लिए ₹500, वहीं जनरल EWS BC MBC महिला उम्मीदवार के लिए ₹250, SC ST और PWD श्रेणी के उम्मीदवार को भी ₹250 देने पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, LPG की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, जाने कहां किस रेट पर मिल रहा है सिलेंडर। जी हां, लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के बीच तेल कंपनियों ने गुरुवार को गैस सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि कर दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा गुरुवार को जारी की गई नई दर के अनुसार पटना में 14.2 किलोग्राम गैर सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ₹933 हो गई है। 30 जून तक इसकी कीमत ₹907.50 थी, यानी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25.5 रुपए की वृद्धि की गई है। इसी तरह 19 किलोग्राम व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में भी 83 रुपए की वृद्धि हुई है। 1 जुलाई गुरुवार से व्यावसायिक गैस सिलेंडर की नई कीमत 1768 रुपए हो गई है, पहले इसकी कीमत 1685 रुपए थी। बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा RTO पर ड्राइविंग टेस्ट, आज से बदल गया नियम। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाते हुए आज सरकार ने इसके नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को लेकर केंद्रीय सड़क मंत्रालय का संशोधित नियम आज से लागू हो गया है। दरअसल परिवहन मंत्रालय ने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है, जहां उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाले ड्राइविंग पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे और एक बार प्रशिक्षण पास हो जाने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की समय ड्राइविंग प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, महावीर मंदिर की राम रसोई को मिला ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, हर दिन 2000 लोगों को कराया जाता है भोजन। जी हां, अयोध्या में चल रहे पटना के महावीर मंदिर की ओर से राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है। निबंधित ट्रेडमार्क मिलने से अब देश में दूसरी कोई संस्था या व्यक्ति राम रसोई नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने राम रसोई को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री सर्टिफिकेट मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि
नवंबर 2019 में रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह राम रसोई अयोध्या में प्रारंभ की गई थी। अयोध्या के इतिहास में पहली बार राम मंदिर पटना ने बाहर के सभी तीर्थ यात्रियों के लिए अन्य क्षेत्र प्रारंभ किया है। टीकाकरण अभियान को मिलेगी तेजी, बिहार को और 3 लाख वैक्सीन मिली। जी हां, बिहार को गुरुवार को 3 लाख कोरोना टीके की डोज और मिल गई है। बुधवार को भी देर शाम 7.5 लाख टीका मिला था। गुरुवार को देश भर में टीकाकरण को लेकर महाअभियान की शुरुआत की गई। इस क्रम में बिहार में रात 8 बजे तक जारी आंकड़ों के हिसाब से 1,95,111 लोगों को टीका लगा। जिलों में कुछ टीका पहुंचने के बाद टीका केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई। हालांकि अरवल में एक भी टीका नहीं लगा, जबकि दो जिलों में 100 से कम टीके लगे हैं। शुक्रवार से गति तेज होने की उम्मीद है। राज्य में बीते कई दिनों से मंद पड़े टीकाकरण को गुरुवार को कुछ रफ्तार मिली है। हालांकि यह आंकड़ा लक्ष्य पाने के लिए जरूरी संख्या तय नहीं पहुंच सका है। दरअसल 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए हर दिन 3,30,000 लोगों का टीकाकरण करना होगा। और अंत की बड़ी खबर, इग्नू ने जुलाई 2021 सेशन के री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई सेशन 2021 के लिए री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in से आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि आपके अनुसार इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में कौन से देश की टीम फाइनल का खिताब जीतेगी। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।